हेलो दोस्तों, अच्छा सी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर के बारे में जाना था कि एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर हम किस तरह से पॉलिसी डेवलप करें, किस तरह से एम्प्लॉयज वर्क करें कि वो पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर डेवलप्ड हो। नाउ अब हम उसके नेगेटिव कल्चर देखेंगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव कल्चर होने के क्या कारण हो सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। नेगेटिव सेफ्टी कल्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद द नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, द मेजोरिटी ऑफ वर्कमैन थिंक एंड फील दैट हेल्थ एंड सेफ्टी इज नॉट इम्पोर्टेंट। किसी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी का नेगेटिव कल्चर तभी होता है, मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स, जो ज्यादातर वर्कर्स हैं, वो सोचते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पोर्टेंट नहीं है। दे आर पुअरली एजुकेटेड इन हेल्थ एंड सेफ्टी एंड सी इट एज अननेसेसरी आर एन इंटरफेरेंस। वो क्या होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी बारे में उनको जानकारी नहीं होती है, तो क्या सोचते हैं कि ये अनवांटेड चीजें हैं, ये हमारे काम में बाधा डालती है, ये हेल्थ सेफ्टी बेकार चीज है। देयर इज लैक ऑफ क्लियर डायरेक्शन एंड लीडरशिप फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट। वो बहुत बड़ी कमी होती है सीनियर मैनेजमेंट से कि उन्हें ट्रेनिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में उन्हें बताया नहीं जाता, उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं बताई जाती है। मैनेजर डू थिंक अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी इन देयर डिसीजन मेकिंग एंड सो लेट अदर प्रायोरिटीज। मैनेजर्स अपने काम में ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में अपने आदमियों को नहीं बताते। सच एज अ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, जैसे कि थोड़ा बहुत उन्हें प्रॉफिट हो, डिक्टेट देयर एक्शंस। वर्कर्स बिहेव अनसेफली often because they do not know any better। जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो जो डेली रूटीन में काम कर रहे हैं, वो समझते हैं यही अच्छा है, इसके अलावा दूसरा कोई टूल्स, दूसरा कोई रास्ता अच्छा नहीं है। आप सेफ्टी कॉन्शियस वर्कर्स आर इन द माइनॉरिटी एंड आर लाइकली टू कम राउंड टू द ग्रुप वे ऑफ थिंकिंग एक्टिंग ओवर टाइम बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप प्रेशर। सी लेटर, हम बाद में इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर का पूरा वो पढ़ेंगे, जो साथियों का प्रभाव है वो। इफ नॉट दे मे वेल लिव बिकॉज दे डू नॉट लाइक द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और फील अनसेफ इन वर्किंग सिचुएशन। जहां पे इफ नॉट दे मे वेल लीव, वो वहां पे छोड़ना अच्छा करेंगे, क्योंकि वो के कल्चर को, फिर बहुत सारे जो कम वर्कमैन हैं वो क्या करते हैं कि जहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का माइनॉरिटी, मतलब बहुत कम, आपने देखा माइनॉरिटी लिखा हुआ, तो जो बहुत कम ऐसे वर्कमैन है जहां पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव सेफ्टी कल्चर है वहां पे वो काम करना पसंद नहीं करते। इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस इट इज इजी टू सी दैट देयर विल बी लैक ऑफ प्रॉपर अटेंशन टू हेल्थ एंड सेफ्टी। स्टैंडर्ड विल नॉट बी अंडरस्टूड और वर्क टू। बिहेवियर विल बी पुअर एंड एक्सीडेंट इल हेल्थ विल अकर एज अ रिजल्ट। यदि दिस ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर नहीं रहेगा तो वहां पर हर टाइम चांसेस रहता है एक्सीडेंट होने के लिए। ये एक देख लो आप, ये मैंने फोटो लगाया इसमें, ये पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर का एक फोटो है और एक नेगेटिव सेफ्टी कल्चर का फोटो है। तो आप कहाँ काम करना पसंद करेंगे, जहाँ हर तरह के एम्प्लॉय खुश हो, जहाँ वो क्लियरली ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के जो सारे नियम है वो फॉलो हो, ठीक है, या इस जगह पर काम करना चाहेंगे जहाँ पे टेम्परेरी लैडर है, लैडर भी कंप्लीट नहीं है। आप इसमें
आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या क्या गलत है एक नेगेटिव सेफ्टी कल्चर में। तो आज हम सेफ्टी प्रोफेशनल हम चाहेंगे कि जहां भी जाए हर ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कल्चर को दुरुस्त करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्षा करें। थोड़ा सा एक बार टॉपिक फोकस के नजर में हम नजर डालेंगे। फैक्टर्स दैट हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि नेगेटिव सेफ्टी कल्चर है तो इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेफ्टी लीडरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की ओर से लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी होती है। प्रेजेंस ऑफ अ ब्लेम कल्चर, उस ऑर्गेनाइजेशन में ब्लेम कल्चर होता है। ब्लेम कल्चर कैसा होता है कि मैंने कर दिया, उसने नहीं किया, मैं तो उसको बता दिया था, उसने नहीं किया, इस तरह का ब्लेम कल्चर जिस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ वो क्या होगा, वहां पे पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर नहीं आ सकता है। लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट टू सेफ्टी, सेइंग वन थिंग एंड डूइंग अनदर। जब आप कमिटमेंट कर रहे हैं किसी से पॉलिसी बना रहे हैं, उसका पॉलिसी में हमने कमिट कर दिया कि हर एक एक्टिविटी का हम हीरा करके फिर काम चालू करेंगे, बट आप काम चालू कर रहे हैं और हीरा नहीं कर रहे हैं या रिसोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो भी मैनेजमेंट की कमिटमेंट की फेलियर है। हेल्थ एंड सेफ्टी रिसीविंग लोअर प्रायोरिटी देन अदर बिजनेस इश्यू। हेल्थ एंड जिस ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी नहीं है वहां पे भी बिजनेस इशू आते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी कोई आपको ऑर्डर देना चाहता है किसी काम के लिए, तो यदि वो सेफ्टी का कल्चर आपका अच्छा नहीं है तो ऑर्डर में कैंसल। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, फ्रिक्वेंट और पुअरली कम्युनिकेटेड चेंज रिजल्टिंग इन अनसर्टेनिटी। जिस ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस ज्यादा होंगे वहां पे भी नेगेटिव सेफ्टी कल्चर रहेगा और एक मुख्य कारण है। हाई स्टाफ टर्नओवर रेट्स, वर्कर्स डू नॉट स्टे लॉन्ग एनफ टू बी इन्फ्लुएंस्ड। स्टाफ का जब टर्नओवर ज्यादा होगा तो ये भी एक नेगेटिव कल्चर है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, टू फ्यू वर्कर्स ड्यू टू डाउन सीजिंग द लैक ऑफ करेक्ट इक्विपमेंट। अब सेफ्टी इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज की जरूरत होती है, यदि रिसोर्सेस नहीं है तो ये भी बहुत बड़ा फेलियर है। लैक ऑफ वर्कर कंसल्टेशन, आप वर्कर से बात नहीं करेंगे। इंटरपर्सनल इश्यूज, एग्जांपल अनरेगुलेटेड पीयर ग्रुप प्रेशर, बुलिंग और हरासमेंट। अनरेगुलेटेड पीयर ग्रुप प्रेशर, फालतू का अनवांटेड दबाव डालना, किसी को चिढ़ाना, हरासमेंट करना, ये भी एक नेगेटिव सेफ्टी कल्चर है। पुअर मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर, मैनेजमेंट का जो सिस्टम है पुअर है, बेकार है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, इकोनॉमिक क्लाइमेट रिजल्टिंग इन डिफिकल्ट ऑपरेटिंग कंडीशन। जो इकोनॉमिक क्लाइमेट रिजल्टिंग, जो इकोनॉमिक क्लाइमेट और डिफिकल्ट कंडीशन को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, तो वो भी क्या होता है, एक नेगेटिव सेफ्टी कल्चर है। नाउ अब थोड़ा सा उसी चीज को हम डिटेल में बात करेंगे, एक खोल के बात करेंगे। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, देयर आर मेनी इंडिकेटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर दैट विल शो इफ इट इज स्ट्रांग एंड पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे पैरामीटर्स है जो हेल्थ एंड सेफ्टी को क्या करते हैं, दिखाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर हो या नेगेटिव सेफ्टी कल्चर हो। बिकॉज हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इज पार्टली डिफाइंड एज हाउ पीपल थिंक एंड फील। क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर अलग अलग क्या होता है, वो डिफाइन करता है कि आदमी कैसे किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, जैसे कि एटीट्यूड, देयर बिलीव्स एंड देयर प्रायोरिटीज।
and these are intangible concept and difficult to measure. Attitude, beliefs and priorities ऐसे चीज है, इस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है वो इंटेंजिबल है और वेरी डिफिकल्ट टू मेजर करना. आप किसी के दिमाग को आप भाप नहीं सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, सो बहुत डिफिकल्ट होता है मापने के लिए. सो रदर देन के बजाय ट्राइंग टू असेस द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर डायरेक्टली, उनके एटीट्यूड बिहेवियर से अच्छा है कि आप डायरेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को मापें. इट इज ऑफन इजियर टू असेस इट इनडायरेक्टली by looking at the tangible outputs that can be used as indicators. There is no single indicator that can be used to assess health and safety culture. Instead, several indicators must be examined together. कोई जरूरी नहीं है कि उनसे हम बात करके या attitude, उनको belief, किसी को विश्वास पर या किसी को priority देके हम उस पर safety का जो आंकड़ा है डाटा है उस पर हम विश्वास करें, ऐसा कुछ नहीं है. आप अपने तरीके से भी मेजर कर सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं. जैसे कि उसमें मान लो एक आ गया एक्सीडेंट, हम एक खुल के बात करेंगे. एक्सीडेंट रिकॉर्ड कैन बी यूज्ड टू वर्क आउट हाउ मेनी एक्सीडेंट आर हैपनिंग एज अ रेट. नंबर ऑफ एक्सीडेंट happening as a rate, example number of accident per 1 lakh hours worked, we discuss this later. हम इसको बाद में discuss करेंगे. But किसी organization का accident का data उठाकर देख लीजिए कि कितना घंटा उन्हें काम किया है और कितने accident हुए हैं, तो उस पर भी आपको पता चल जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एंड सेफ्टी के कल्चर के बारे में. द एक्सीडेंट रेट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंपेयर्ड विद द, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सीडेंट रेट कंपेयर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इन प्रीवियस ईयर. ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस लास्ट ईयर क्या था, this will indicate whether the accident rate is increasing or decreasing. ये भी शो करता है प्रीवियस साल का डाटा कि एक्सीडेंट रेट बढ़ रहा है या घट रहा है. A decreasing rate might be seen as an indicator of quality health and safety culture. यदि एक्सीडेंट रेट आपका डिक्रीज हो रहा है means you are moving towards positive safety culture. Rate for other organizations that do the some work are the industry average often published by the authorities. This is the process of benchmarking. An accident rate that is higher than the national average might be seen as indicators of negative health. यदि किसी organization में previous साल का accident का data और इस साल का accident का data मिलता जुलता है या ज्यादा है तो मींस वो नेगेटिव सेफ्टी कल्चर है और उसमें जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का रेशियो है वो डिक्रीज हो रहा है. लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट फॉलो एक्सीडेंट एंड द एफर्ट दैट इज पुटिंग इनटू प्रिवेंटिंग अ रीअकरेंस इज अनदर वे ऑफ यूजिंग एक्सीडेंट एज इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन. जब किसी एक्सीडेंट को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसके रूट कॉज और उसके एनालिसिस पे ज्यादा डिपेंड करता है. नाउ विद द पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर मच टाइम एंड एफर्ट विल गो into investigate accidents, writing investigation reports and introduce follow up action to prevent a reoccurrence. This positive safety culture है तो वहाँ पे accident investigation में ज्यादा time लगाते हैं और उस पर investigate करके जो report बनती है उस पर क्या करते हैं proper action plan लेते हैं, time
टाइमलाइन सेट करते हैं, यदि कुछ आपको जो इम्प्लीमेंट करना है टाइमलाइन लेकर के उस पर काम करते हैं ताकि ये दोबारा ना हो। विद नेगेटिव सेफ्टी कल्चर सुपरफिशियल एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन आर कैरिड आउट, रिपोर्ट्स आर फॉर पुअर क्वालिटी एंड फॉलो अप एक्शन इज आइदर नॉट टेकन आर इज इनफ्लेक्टिव एंड मे फोकस ऑन ब्लेमिंग देयर वर्कर्स रादर देन आइडेंटिफाइंग व्हाई इट इज हैपेंड। जो नेगेटिव सेफ्टी कल्चर है जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो सुपरफिशियल बस ऊपर ऊपर से एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे और रिपोर्ट्स को अच्छे तरीके से न बना करके ऐसे बनाकर रख देंगे और उसको फॉलो नहीं करेंगे, ना किसी का टाइम स्केल देंगे और वर्कर्स को क्या करेंगे, ब्लेम करेंगे ये तूने क्यों कर दिया, ये ऐसे नहीं करना था, तो ब्लेम करेंगे रदर देन की वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि क्या रूट कॉज थे, क्या क्यों एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में काम नहीं करेंगे और वर्कर को उस पर ब्लेम करेंगे। सेफ्टी कल्चर को मापने के लिए एक और अच्छा तरीका है सिकनेस रेट। अ लॉट ऑफ इल हेल्थ इज कॉज्ड आर मेड वर्स बाय वर्क। फॉर एग्जांपल इन मेनी कंट्रीज अ ह्यूज नंबर ऑफ वर्किंग डेज आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ बैक पेन। मतलब सिकनेस रेट जो ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाते हैं उससे भी क्या होता है, काम सफर होता है, लेकिन बहुत सारे कंट्री में मैन आवर्स लॉस होता है ड्यू टू बैक पेन की वजह से। एंड सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ दैट वर्क पेन विल हैव बीन कॉज्ड आर मेड वर्स बाय द वर्क दैट इंडिविजुअल्स आर डूइंग। Sickness rates can be used in the same way the accident rates are as an indicators of health and safety culture. Sickness rate भी depend करेगा organization के positive safety culture और negative safety culture में same indicate करेगा। Absenteeism एक health and safety culture को माप करने के लिए एक और तरीका है, क्या है absenteeism। A high level of worker absenteeism indicates that workers are either not able or not willing to come to work. बहुत सारे worker की जो क्या है absenteeism होती है, या तो वो काम पे आना नहीं चाहते या काम करना नहीं चाहते। If they are not able, यदि वो असमर्थ हैं, this might indicate that they are suffering ill health caused. मतलब वो बीमारी से सफर कर रहे हैं। Are forced by work, as we noted above, if they are not willing, it indicates that they are withhold their labor for some reasons. This is usually caused by poor workforce morale, which in turn may be linked to poor health and safety culture. Now, poor health and safety culture है, वहाँ पर ज़्यादा जो absenteeism है वो बढ़ेगी। ओवर टाइम करवाएंगे और वर्क फोर्स करेंगे तो उस तरह से क्या है एब्सेंटीज़म रेट बढ़ती है और कोई भी एम्प्लॉय वहां पे काम करना पसंद नहीं करता है। अब एक आया था वर्ड मोरल, देखेंगे क्या है। द लेवल ऑफ कमिटमेंट एनर्जी एंड एंथुसिएज्म दैट वर्क फोर्स हैज फॉर द वर्क बीइंग डन। किसी काम को किसी लेवल पे एक कमिटमेंट चाहे एनर्जी और एंथुसिएज्म की बात करें तो वर्क फोर्स हैज फॉर द वर्क बीइंग डन, जहां वर्क फोर्स के द्वारा काम किया जा रहा हो। अब हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को माप करने के लिए एक और चीज है, वो है स्टाफ टर्नओवर। एन ऑर्गेनाइजेशन विथ अ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इज ऑफन अ गुड प्लेस टू वर्क। जहाँ पे पॉजिटिव हेल्थ सेफ्टी कल्चर है वहाँ पे काम करने के लिए बहुत अच्छा महसूस होता है, वर्कर्स फील सेफ, मोरल इज गुड, ट्रेनिंग इज अवेलेबल, मोरल उनके सारे स्टाफ का अच्छा हो, ट्रेनिंग अवेलेबल हो, एंड वर्कर्स आर कंसल्टेंट अबाउट देयर वर्किंग कंडीशन, और वर्कर बात करते हैं उनका वर्क कंडीशन के बारे में। एज ए रिजल्ट परिणाम वर्कर्स स्टे विद देयर एम्प्लॉयर फॉर लॉन्गर। यदि जिस समय सोलो स्टाफ टर्नओवर में इंडिकेट गुड हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर व्हाइल हाई स्टाफ टर्नओवर में इंडिकेट द अपोजिट। स्टाफ टर्नओवर में ये बता रहा है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में
काम करने के लिए अच्छा वर्क प्लेस हो, स्टाफ वहां पर अच्छा फील करता है, ट्रेनिंग अवेलेबल हो, वर्कर को कंसल्ट किया जाता हो साइट कंडीशन के बारे में, वर्कर कंसल्ट करता हो, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ ज्यादा लंबे टाइम तक काम करने के लिए सोचता है, और ये जो इंडिकेट करेगा वो पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी को कल्चर इंडिकेट करेगा, और बट एक जो दूसरा है वो नेगेटिव सेफ्टी कल्चर में बताएगा, इसके अपोजिट ठीक नेगेटिव सेफ्टी कल्चर होगा। और एक सेफ्टी मेजर करने के लिए एक और आसान तरीका है, वो है कंप्लायंस विद सेफ्टी रूल इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। द मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स वॉन्ट टू वर्क सेफली। जहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मेजोरिटी है, ज्यादा जो वर्कर है जो क्या करते हैं सेफली काम करना चाहते हैं, सो दे कंप्लाई विद द सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर लेड डाउन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। वो जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करके चलते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेफ्टी इंस्पेक्शन आर ऑडिट्स यूजुअली फाइंड that there is a high level of compliance, the health and safety culture has influenced workers' behavior in a positive way. Where there is a negative health and safety culture, the reverse is usually true. Health and safety culture इसके क्या reverse होता है? हमेशा सत्य होता है। Workers do not follow the rules. Negative safety culture में workers follow safety rule follow नहीं करते हैं because they don't know what they are, perhaps owing to poor training, उनको शायद अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी गई हो, और बिकॉज दे नो द रूल्स बट डू नॉट वॉन्ट टू फॉलो दे, या हो सकते हो रूल जानते हो बट फॉलो नहीं करना चाहते हो, perhaps because of poor attitude के चलते वो फॉलो नहीं करना चाहते हो। वर्कर्स आर फ्री टू ब्रेक द रूल्स बिकॉज ऑफ पुअर सुपरविजन, दे नो दैट दे विल नॉट बी पनिश्ड। ये भी साथ जानते होंगे कि सुपरवाइजर हमारा कोई हमें दंड नहीं देगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोई दंड नहीं देगा, तो इसके लिए वो फॉलो नहीं करते होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। जो नेगेटिव सेफ्टी कल्चर है उसमें ऐसा चांसेस है, ऐसे हो सकते हैं। अब एक चीज और है सेफ्टी मेजर को चेक करने के लिए, कंप्लेंट्स अबाउट वर्किंग कंडीशन। देयर इज एन ऑब्वियस लिंक बिटवीन हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर and the number and types of complaints made by workers and workers safety representative। अब डिपेंड करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने ज्यादा कंप्लेंट आ चुके हैं और कितने उस पे वर्क हो चुका है, मतलब पॉजिटिव रिस्पांस। एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ पॉजिटिव कल्चर में एक्टिवली एनकरेज कंप्लेंट्स आउट फ्यू सीरियस वंस विल बी मेड। एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर में एक्टिवली डिस्करेज वर्कर्स फ्रॉम कंप्लेनिंग and many of the complaints made will be legitimate and serious ones। यदि कोई हेल्थ एंड सेफ्टी वर्किंग कंडीशन के बारे में कंप्लेंट कर रहा है तो उस पर काम करके और उन्हें रिस्पॉन्स करें, ये एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। बट यदि जिस ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंप्लेन करे, कोई सजेस्ट भी करे और मैनेजमेंट उसे नकार दे, तो ये एक नेगेटिव सेफ्टी कल्चर है। द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर, जो उनका समूह है उसका प्रभाव क्या पड़ता है। व्हेन पीपल आर पुट टुगेदर इनटू ग्रुप्स दे इंटरैक्ट, सम इंडिविजुअल्स विल हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द ग्रुप, अदर्स विल हैव लिटिल इन्फ्लुएंस। इन दिस वे हायरार्की डेवलप्स विद इन द ग्रुप ऑफ एंड नोन एज पिकिंग ऑर्डर। सर्टेन वेज of behaving will come the norm, which will often established by the more influential members of the group. A person wishing to become a member of group will have to comply the group norms. This pressure to comply with group norms is called peer group pressure. Peer group pressure is an important factor to take into account when thinking about safety-related behavior. If a group is already working, मैं थोड़ा सा इधर बात कर लेते हैं। Peer group pressure, जो एक समूह है, ग्रुप है, उसका प्रभाव के बारे में बता रहा है। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्कर्स है पॉजिटिव सोचते हैं मेजोरिटी में,
और कुछ माइनॉरिटी में है जो नेगेटिव सेफ्टी कल्चर सोचते हैं। यदि माइनॉरिटी वाला जो काम करेगा, सॉरी, जो पॉजिटिव वाले हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए काम करेंगे, तो धीरे धीरे जाहिर सी बात है जो माइनॉरिटी वाले वर्कर है वो सीधे किससे मिलते जाएंगे, मेजोरिटी में जाके वो मिलते जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ग्रुप का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इफ अ ग्रुप इज ऑलरेडी वर्किंग सेफली देन पीयर ग्रुप प्रेशर विल कीप मोस्ट पीपल इन दैट ग्रुप इन लाइन, बट इफ द ग्रुप इज वर्किंग अनसेफली देन पीयर ग्रुप प्रेशर विल टेंड टू फोर्स न्यू वर्कर्स टू बिहेव अनसेफली इन एन अटेम्प्ट टू फिट इन विद ग्रुप नॉर्म्स। इसे मैंने बताया, सेम चीज वही है। इवन टफ न्यू वर्कर्स मे नो द व्हाट आर डूइंग इज रॉन्ग एंड मे वांट टू डू इट द राइट वे। बहुत सारे जो नए वर्कर्स आते हैं उन्हें पता नहीं रहता है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। बट डिपेंड करता है कि जो इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर है, जो ग्रुप है, वो किस तरह का काम करते हैं, सेम उसी तरह वो उसी माहौल में ढल जाएगा। द प्रेशर टू कंप्लाई विद देयर सोशल ग्रुप ओवरकम्स देयर पर्सनल अपरेंसियंस। पीयर ग्रुप प्रेशर है, जिस तरह से इकट्ठे सारे लोग करेंगे सेम उसी तरह से माइनॉरिटी वाले लोग भी करेंगे। वन वे टू डील विद द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ पीयर ग्रुप प्रेशर इज टू टैकल द इन्फ्लुएंशियल पीपल विद इन द ग्रुप द वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग ग्रुप नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। इफ देयर बिहेवियर कैन बी चेंज्ड देन एम्प्लॉय एल्स विल लाइकली चेंज एज वेल। दिस माइट बी डन बाई ट्रेनिंग एजुकेशन इन्वॉल्विंग इन सेफ्टी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ETC। वन वेरी सक्सेसफुल टैक्टिक इज टू गिव द थर्मल देम इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्टीमेटली इफ द इन्फ्लुएंस मेंबर विल नॉट चेंज देयर बिहेवियर देन दे हैव टू बी मूव इन टू अदर वर्क ग्रुप वेयर दे हैव लेस इन्फ्लुएंस और दे हैव टू बी डिसिप्लिन यूजिंग द नॉर्मल डिसिप्लिनरी प्रोसेस। यदि किसी वर्कमैन का बिहेवियर सही नहीं है, वो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को मैनेज नहीं कर सकता, उसे दिक्कत हो रही है, तो उसे क्या है, जहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ज्यादा है उस ग्रुप में उसे उठा करके डालेंगे। वहां पर वो जहां वहां पर जाते ही वो अच्छा से अपने आप को डेवलप कर पाएगा, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के रूल्स को फॉलो करेगा। द बिहेवियर ऑफ पीयर ग्रुप एंड द इन्फ्लुएंस द पीयर ग्रुप प्रेशर हैज बीन एलोकेटेड टू एग्जैक्ट ऑन वर्कर बिहेवियर इन ऑफन अ गुड इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन विथ अ पॉजिटिव कल्चर। पीयर ग्रुप प्रेशर इज इन लाइन विद सेफ बिहेवियर इन एन इम्पोर्टेंट विद अ नेगेटिव कल्चर। पीयर ग्रुप प्रेशर इज डिवाइमिंग अनसेफ बिहेवियर एंड दिस हैज नॉट बीन चेंज बाई मैनेजमेंट। ये नेगेटिव सेफ्टी कल्चर जो है, पीयर ग्रुप प्रेशर, उनके समूह, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि मैनेजमेंट चाहे तो उसे चेंज कर सकती है, और नेगेटिव सेफ्टी कल्चर में चाहे तो चेंज नहीं कर सकती है, नॉट बी चेंज बाई मैनेजमेंट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ डू अ वर्कर पीयर्स एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर देयर बिहेवियर, इसका क्वेश्चन आंसर जो है हम लास्ट में देखेंगे। बाकी हमने जिस जितना मॉड्यूल पढ़ा है, इस मॉड्यूल के हिसाब से वो आंसर देखेंगे आप, और आंसर लिख के अपना नोट बनाकर सेव करके रखें, ताकि लास्ट में हम जब अपना आंसर डिस्कस करें तो आप मिला सकें कि मैंने किस तरह से राइट किया है, और जो निबोस के गाइडलाइंस है उन्होंने किस तरह से लिखा है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इतना आज के लिए काफी है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।